जमशेदपुर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट मची है। इसको लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर ग्रामीण भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने बताया कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध वनों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। स्वर्णरेखा नदी से अवैध रूप से रात के अंधेरे में बालू का खनन और उठाव धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का काम रुका हुआ है। उन्होंने जिले के उपायुक्त से अविलंब अवैध बालू का खनन रोकने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों के लिए ट्रैक्टर से बालू उठाव की अनुमति देने और लकड़ी माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी है। स्वर्णरेखा नदी से अवैध उत्खनन बालू का हो रहा है और उसकी तस्करी हो रही है। एक तरफ गरीब व्यक्ति जब अपना घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से बालू निकालता है, उस पर ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं थाने में, और दूसरी तरफ हाईवा से जमशेदपुर रांची और हजारीबाग बालू की तस्करी होती है, उस पर थानेदार और माइनिंग विभाग मौन सा दिए। पिछले कई महीनों से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग को कोई मतलब नहीं। वहीं लकड़ियों के जंगल कटते जा रहे हैं। हमने फोटो आज दिया है DC साहब को, आज जंगल कटे जा रहे हैं। बंगाल के लकड़ी तस्कर आकर के लकड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से कहा है कि प्राकृतिक संसाधन और जंगल की कटाई को सरकार रोके। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। ग्रीनरी इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.